नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो है हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उस टाइप के एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। आज जो है हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सीरीज एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर्स काउंटिंग या ऑर्डरिंग में यूज होते हैं उनको जनरली हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं कि हम कुछ चीजें काउंट कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हैं मेरे पास, 6 एप्पल्स है बराबर, तो हम उसे 6 इज ए नेचुरल नंबर। तो जो भी चीज हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, तो दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स बराबर। या फिर कुछ बोलते हैं कि दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सब टाइप के जो हम नंबर बोलते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये होगी नेचुरल नंबर की बात। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि ये नेचुरल नंबर का एडिशन की एक सीरीज दी जाती है और बोला जाता है कि आपको इसका समेशन देखना है। तो मेनली उसमें तीन टाइप के एग्जाम्पल्स जो है कंसीडर करते हैं। एक आपको पूछा जाता है कि आपको 1+2+3+ ऐसे डॉट 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 करके फिर लास्ट में लिख दिया जाता है 100 और इसका समेशन आपको देना है बराबर। ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसे प्योरली नेचुरल नंबर्स का एडिशन बोलते हैं। अभी दूसरे टाइप का जो एग्जाम्पल होता है उसमें क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर्स है उसमें जैसे 1+3+5+7 ऐसे करके आपको दिया होगा 99 सपोज, यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। पर यहां पे देखिए ये जो है 1, 3, 5 ये सब क्या है, ये सब ओड नंबर्स है। ये तो जो पहला एग्जाम्पल था वो क्या था, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑल नंबर्स राइट। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ ओड नंबर्स, और तीसरा जो एग्जाम्पल बोला जाता है वो है एडिशन ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2+4+6+8 ऐसे करके आपको दे दिया है कि आपको ऐसा 100 तक का जो भी है उसका समेशन देना है बराबर। तो इन सब के लिए फॉर्मूलाज बराबर, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली उनको कैलकुलेट करके एक ही मिनट में आप उसका आंसर जो है लिख दोगे बराबर। तो जो पहले वो तीनों फॉर्मूला की बात करेंगे, फिर वो फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हम उसमें ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो उसको अगर भूल गए हैं और हमारे पास टाइम है उसको डिराइव करना का, तो कैसे डिराइव करेंगे वो भी आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये नंबर्स का एडिशन, जो नेचुरल नंबर्स है उनका एडिशन सिंपली। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको बोलते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू बराबर। तो यहां पे एन क्या है, तो कितने नंबर्स है, 1, 2, 3 ऐसे काउंट करोगे तो 100 तक कितने नंबर आएंगे, 100 बराबर। फिर n प्लस 1 यानी कि 101 हो जाएगा, 100 में एक ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 101 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 × 101 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5050 बराबर। तो ये एक ही मिनट में आपने लिख दिया कि 1 से 100 तक का समेशन करोगे आंसर आएगा 5050। दूसरा है ओड नंबर्स के लिए फॉर्मूला। ओड नंबर्स अभी आपको बोला है 99 तक, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 100 बराबर। अभी 100 में कितने ओड नंबर्स होते हैं, 1 to 100 अगर आप देखोगे तो उसके एग्जैक्टली हाफ
होंगे, यानी कि यहां पे 50 ओड नंबर होंगे, 50 इवन नंबर होंगे, बराबर। तो यहां पे हमें क्या करना है, 50 ओड नंबर है तो 50 पहले लिख देना है, बराबर, और उसका स्क्वायर कर देना, यानी कि ये फॉर्मूला है एन स्क्वायर, बराबर। तो 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2500, बराबर। तो आप 1 + 3 + 5 ऐसे 99 तक जाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2500। अभी आया इवन नंबर का बारे, इवन नंबर का बारे में क्या है, इवन के लिए क्या फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूं मैं, एन इंटू एन प्लस वन, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे 50 इवन नंबर्स होंगे तो आपको 50 लिख देना है पहले, एन प्लस वन क्या आ जाएगा, 50 + 1 यानी कि 51, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2550, बराबर। तो अब ये तीनों फॉर्मूला आ गए, हम तो आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम्स कहां होते हैं, प्रॉब्लम वहां पे होते हैं जनरली, हम ये फॉर्मूला जो है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वो याद रह जाता है, क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज किया होता है ये सब कॉन्सेप्ट, तो ये याद रह जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार ओड इवन में लोचा हो जाता है कि ओड, ये फॉर्मूला ओड के लिए था या इवन के लिए था, ये हमें याद नहीं रहता, तो उसको डिराइव कैसे करें, उसको कुछ तो ऐसा ट्रिक है, अगर आपके पास है उसको डिराइव करने का ट्रिक, तो आप अगर टाइम मिला एग्जाम में तो आप उसको डिराइव कर सकते हो, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो। जनरली ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आपके पास टाइम है और आप फॉर्मूला भूल गए हो तो डिराइव करने का भी एक रास्ता है, तो आपको मानो कि पहले डिराइव करना है ओड नंबर्स के लिए, ओड नंबर्स के लिए डिराइव करना है तो आपको क्या करना है, ये 99 तक नहीं जाना है, हम क्या करेंगे 9 तक ही जाएंगे। तो मानो कि ये जो अभी डिराइव कर रहे हैं हम यहां पे ओड नंबर्स के लिए, बराबर, तो आपको क्या करना है, आपके पास मानो कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये इतने ही आपको करना है, 99 तक मत जाओ, हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे बाद में, 99 तक तो आप इजीली कर पाओ। तो आपको क्या करना है, एक डॉट मेथड बोला जाता है, इसको डॉट करते जाना है। तो यहां पे 1 है तो पहले एक डॉट कर दीजिए, बराबर, फिर 3 है तो ये एक डॉट जो किया है उसके बाजू में एक करिए और ऊपर एक एक लगा दीजिए, बराबर। फिर 5 है तो ये दोनों के बाजू में एक एक करिए और ऊपर और 3 लगा दीजिए, बराबर। फिर क्या है, 7 है तो ये तीनों के बाजू में एक एक कर दीजिए, तो ये 3 हो गए और ऊपर ये 4 लगा दीजिए, तो ये हो गए आपके 7। फिर और एक बार 9 करना है तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपको क्या करना है, ये आपका हॉरिजॉन्टली कितने डॉट्स है एक लाइन में और वर्टिकली एक लाइन में कितने डॉट्स है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इंटू क्या हुआ, 1 2 3 4 5 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 आंसर आएगा इसका, बराबर, ये समेशन का आंसर। बट इसका मतलब क्या हुआ, 5/5 है, उसका मतलब क्या है कि आपका यहां पे जो है, आपको इसको एन स्क्वायर भी लिख सकते हो। अभी एन क्या है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां पे 1 2 3 4 और 5 5 डिजिट्स है और ये 5/5 का डॉट्स का जो है स्क्वायर बना है, तो 5 स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आपको याद आ जाएगा कि ओड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, बराबर। सेम आपको फॉर्मूला देखना है इवन नंबर के लिए, तो इवन नंबर के लिए भी हम क्या करेंगे, मानो कि उसके लिए भी हम क्या करेंगे, छोटा एग्जांपल सेट करेंगे, यानी कि 2 + 4
प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन। चलो टेन तक नहीं जाते हम, सिर्फ जाते हैं एट तक ही, बराबर। ये यहां पे चार ही रखते हैं डिजिट ताकि सिंपल हो जाए कैलकुलेशन, या फिर चलो टेन तक जा ही जाते हैं, बराबर। तो पहले कितने हैं, सेम डॉट वाला मेथड लगाना है, पहले दो डॉट लगा दीजिए, फिर कितने लगाने हैं आपको, चार। तो यहां पे एक साइड में लगाइए और यहां पे एक दो तीन, फिर सिक्स, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। वैसे तो यहां पे ही आपको पता चल रहा है कि एक बाजू तीन है एक बाजू चार है, बराबर। बट हम लिया है तो कंप्लीट कर लेते हैं, वरना यहां पे एन इंटू एन प्लस वन आपको मिल ही रहा है, बराबर। ये सिक्स हो गया, फिर आपको देखना है एट के लिए। एट के लिए करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेम ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बराबर। यहां पे देखिए कितने हैं वर्टिकल लाइन में, कितने डॉट्स हैं यहां पे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां पे लिख दीजिए फाइव, बराबर। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये लाइन, इसमें कितने डॉट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि फाइव इंटू सिक्स, यानी कि आपका क्या हुआ, ये थर्टी हो गया आंसर दो, बट ये एन इंटू एन प्लस वन। तो इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, एन इंटू एन प्लस वन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप भूल गए तो आप ये तीन डिजिट का भी करके कर सकते हैं, आपके पास बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहते तो भी आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो, ये सेम लॉजिक इसके लिए भी लागू होता है, बट जनरली ये याद रह जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। जो कंफ्यूजन होता है वो एन स्क्वायर और एन इंटू एन प्लस वन में होता है। तो आई होप आज का ये जो सीरीज एडिशन का लेक्चर था उसमें आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस के बारे में बताएं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।